तो मेरे पास जो है पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ था, मेरे पास अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट फॉर ए क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एबसेंट। हमने निकालना है कि मीन कितना है कि वो स्टूडेंट एबसेंट है। मुझे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 विद द सेम एक्सरसाइज वी आर डूइंग एंड इट इज रिटन हियर नंबर ऑफ डेज मेरे पास दिए हुए, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मेंशन है, ओके जी। और मेरे पास जो है क्या क्या मेंशन है हम पूरा टेबल बना के देखेंगे। 0 to 6 कोई बच्चा एब्सेंट है वो कितने बच्चे हैं, 11, ओके। देन 6 to 10 मेरे पास जो है बच्चे 6 to 10 डेज जो बच्चे एब्सेंट है वो 10 स्टूडेंट्स आर देयर, एंड 10 to 14 मेरे पास जो है 7, एंड आफ्टर देन 14 to 24, एंड आफ्टर देन मेरे पास 20 to 28 मेरे पास जो है 4, देन 28 to 38 तो 3, आफ्टर देन मेरे पास जो है 38 to 40 मेरे पास 1 स्टूडेंट एब्सेंट है, ओके। डाटा स्मॉल है तो मुझे लगता है मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूं। सबसे पहले मुझे ये क्या दिया है, दैट इज गिवन टू मी क्लास इंटरवल, दिस इज फ्रीक्वेंसी, है ना। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो जो आपने यूज करना है, आपको पता हो कि मैंने क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैसे मुझे क्या इवैल्यूएट करना है नेक्स्ट स्टेप में, क्लियर कट है। मुझे पता है मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई, मुझे ये दो चीजें चाहिए, एफ आई है, अब मुझे क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए। मैंने उस दिन भी बताया था एक्स आई मेरे पास क्या होता है बेटा, एक्स आई जो है वो क्लास मार्क होता है एक तरह का मेरे पास, या हम इसको मिडल वैल्यू भी कह देते हैं इन हर क्लास इंटरवल। अब 0 to 6 में मिडल वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 + 6 / 2 दैट इज 3, अगली 6 + 10 = 16 / 2 कितना आएगा 8, कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है ना, 5 5 5 ऐड करते जाओ बेटा, ओके जी। जब आप 5 ऐड करोगे मेरे पास होंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, चेक कर लेना, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब यहां पर एक चीज देखना ध्यान से, अब यहां पर ये मैं माइनस करूं 4 का है, ये 6 है, ये 4, ये 6, ये 8, ऑल क्लास इंटरवल्स आर नॉट सेम। सो मैं अगर डिफरेंस 5 का है तो मैं 5 5 ऐड करके नहीं निकाल सकती हूँ। मैंने कैसे चेक किया, मैं ना 5 ऐड करने लगी यहाँ पर, जब मेरे पास यहाँ कोई फर्क पड़ना नहीं था, आगे आगे जाके फर्क पड़ना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो हम कैलकुलेट करेंगे हर एक में मिडल वैल्यू में, मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ 12 आ रहा है बेटा, यहाँ पर मेरे पास जो है 17 आएगा, यहाँ पर 24 आएगा, 36 28 + 38 / 2 तो ये 33 आया, और मेरे पास जो है ये 39 आया, ओके बेटा क्लियर। अगर आप 5 ऐड करते तो 38 बन जाना था, गलत बन जाता है, तो बेटर है आप पहले ये चेक करो कि इक्वल क्लास इंटरवल्स है कि नहीं है, अगर है तो चलेगा, नहीं है तो आप हर एक में कैलकुलेट कर लीजिए, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मेरे पास एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना, तो मैं यहाँ पर एफ आई एक्स आई मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, मल्टीप्लाई चेक कर लेना बेटा, ओके, कोई मिस्टेक ना हो। ये 33 80 मेरे पास 84 और उसके बाद 68, देन 96 मेरे पास हो गए, उसके बाद 99 और उसके बाद बेटा मेरे पास जो है 39 × 1 39, इसका जरा ऐड कीजिए, ओके, ऐड करके देखिए
मेरे पास 9, फोर नाइन नाइन मेरा आ रहा है, चेक कीजिए। ओके चेक इट। और ये किसकी वैल्यू है? समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू है। ओके क्योंकि उसी का सम है ना, तो अब मुझे यहां पर एफ आई की वैल्यू का भी सम चाहिए। 8 मेरे पास हो गए 40। प्लीज चेक इट, चेक कर लीजिए एक बार। और अब मैं वैल्यूज पुट, और वैसे भी यहां पर क्लियर कट लिखा था 40 स्टूडेंट्स, तो एफ आई 40 ही होगा। ओके बेटा, तो अब मेरे पास तो है यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, 499 डिवाइडेड बाय 40। जीरो को छोड़ दिया करो, 4 से डिवाइड करो, और जब आप करोगे तो 1 2 और 1 दा 2 दा, फिर 1 बचा 9, और मेरे पास आएगा 4 देन 8 पॉइंट, और एक हिला दिया तो पॉइंट यहाँ आ गया, 12.48 मेरे पास यहाँ पर आंसर रहेगा। ओके जी, सबको मीन पता चल गया कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सम करने की जरूरत है? हाउ टू इवैल्यूएट मीन बेटा, जल्दी बताइए। डू यू नीड दैट वीक? चलो अब ऐसा करो, आप क्वेश्चन नंबर 9th करके मुझे अपने अपने वीडियोस में दिखाइए, जल्दी फटाफट। यस दिव्यांश बेटा, यस दिव्यांश। मैम, जब क्लास इंटरवल्स अलग अलग होते हैं, जैसे गैप 8 का हो 5 का हो, हाँ तो जी इसमें आपने कैसे, एक बार दोबारा बता दो। बेटा, वैसे ही दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस। ये देखो 24 डिवाइडेड बाय 2 12, इधर कितना आया 34 डिवाइडेड बाय 2 17, 48 डिवाइडेड, मेथड वही है दिव्यांश, हर लोअर प्लस अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 बेटा। ओके ओके चलो बेटा, जल्दी सारे बच्चे फटाफट मुझे क्वेश्चन नंबर जो है 9th अपने अपने स्क्रीन में करके दिखाइए, जल्दी कॉपी पे कीजिए एंड शो इट टू मी, जल्दी। आई विल गिव यू द 2 मिनट्स, लेट अस सी कि 2 मिनट्स में आप कर पाते हो कि नहीं। जल्दी जल्दी मैं अपना क्वेश्चन करती हूँ। ओके देखते हैं, आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट ऑन द, वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ द लिटरेसी रेट इन एग्जाम इन क्वेश्चन नंबर 9th बेटा। ओके आई विल नॉट से एनीथिंग नाउ, लेट अस सी। जल्दी जल्दी कीजिए बेटा, हरी आप, बी फास्ट। अभी तक सिर्फ दिव्यांश शो कर रहा है मुझे, बाकी कोई बच्चा शो नहीं कर रहा है, जल्दी कीजिए। मुझे डाटा थोड़ा ज्यादा लग रहा है, मैं लगाने को इसको डायरेक्ट मेथड भी लगा सकती हूँ, पर मुझे लगता है मैं ज्यूम्ड मीन प्रेफर करूंगी तो मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। आई ट्रीट इट एज ए मिडल वैल्यू, नाउ आई कैलकुलेट डी आई एक्स आई माइनस ए, ए मैंने ले लिया 70, तो हर टर्म में से 70 माइनस किया 0, 10, 20, फिर हम क्या करते थे,
डीआई एफ आई कैलकुलेट करते थे। हाँ जी, डी आई इज दिस, एफ आई इज दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई, -60 -100 जीरो देन 80 देन 60। ओके, दिस इज -160 एंड दिस इज 140। Therefore, the sum is -20. Okay, now I can apply x bar beta, that is mean. ठीक है, तो mean calculate करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए x bar is equal to a plus summation di fi over summation fi. A कितना लिया मैंने 70, अब di कितना निकला हमारा नीचे -20 ओवर फ्रीक्वेंसीज का सम, मुझे जो है फ्रीक्वेंसी का सम 35 है, ऐड करके देख लीजिए इट इज 35। ओके, तो डिवाइड इट बाय 35। ओके, नाउ दिस इज 70। अब मैं अगर कटिंग करूं तो देखिए 5 4 द 5 7 द, अब मैंने 4 को इससे करना है तो डिवाइड करूं तो पॉइंट, ओके 5 मेरे पास है एंड 7 टू डिजिट्स तक बहुत होता है, तो जब आप माइनस करोगे तो 69.43, क्योंकि यहां पर जो है क्वेश्चन में दे आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, और ये परसेंटेज में एवरेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यू हैव टू राइट This is as percentage. चेक कर लीजिए आपका और मेरा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। किसी को कोई डाउट यहां तक? अब मैं नया टॉपिक करवाऊंगी मॉड का, चले बेटा। बिफोर स्टार्टिंग विद द मॉड बेटा, मॉड स्टार्ट करने से पहले मेरे पास जो है मैं क्या आपको यहाँ पर बताऊंगी कि इंक्लूसिव क्लास एंड एक्सक्लूसिव क्लास, ये पता होनी बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं मीन में डजंट मैटर वेदर द क्लास इज, क्लास इंटरवल इज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, वो जैसी मर्जी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉड और मीडियन में बहुत फर्क पड़ता। आपको वैसे ये पता है कि मॉड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, आपने नाइन्थ में किया हुआ है, बट आपको हम रिकॉल सारा करेंगे कि मीडियन मॉड मीन में क्या डिफरेंस होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज सीखेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज, फिर गए इंक्लूसिव सीरीज। ये देखिए, जब हम बात करते हैं ना 0 to 10, आगे 10 to 20, 20 to 30, इसमें अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल शुड बी द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट, और जो 10 है वो इसमें नहीं आता, 10 वाली वैल्यू इस क्लास इंटरवल में नहीं आती, अगली में आती है, एक्सक्लूड कर देते हैं ना, निकाल देते हैं, ऐसे क्लास इंटरवल्स को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है, एक होता है इंक्लूसिव जिसमें अपर एंड लोअर लिमिट्स दोनों इंक्लूड करते हैं, जैसे मैं कहूं 0 to 9, चलो 0 to 9, अगला 10 to 19, अगला 20 to 29, फिर 30 to 39। अब इसमें ऐसा तो नहीं होता ना, इसमें 9 वाली वैल्यू इसी में आती है, इंक्लूड होती है, इंक्लूसिव। 19 वाली वैल्यू इधर ही, इसमें अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस वन इज नॉट विद द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट वन, तो ऐसे इंटरवल्स को हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज।
अब इंक्लूसिव सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज बनाते हैं मॉड एंड मीडियन के केस में, ये नेसेसरी होता है, मीन के केस में नेसेसरी नहीं होता। और उसका बनाने का मेथड क्या होता है बेटा, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 9 और 10 में, 1 का उसका हाफ कर लो 0.5, तो बेटा 0.5 क्या करेंगे हम, इंक्लूड करेंगे और 0.5 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे यहां पर 0.5 यहां पर ऐड करेंगे और यहां पर 0.5 जब मैंने 10 में से 0.5 माइनस कर दिया तो ये 9.5 हो गया। इधर अपने आप ये कॉन्टिन्यूस बन गई, ये एक्सक्लूसिव बन गई बेटा। मेरी बात समझ आई सबको? ठीक है जी, हमें ये इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना ही पड़ता है अगर मेरा डाटा जो है वो कैसा हो, या हमने मीडियन या मॉड कैलकुलेट कर। ये बात सबको समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं बेटा? ठीक है जी, हाँ जी थम्स अप कर दीजिए इफ इट इज क्लियर टू यू। मीडियन और मॉड के केस में आपको डाटा को एक्सक्लूसिव बनाना ही बनाना है, अगर आप नहीं बनाओगे तो आप क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ओके बेटा, ठीक है, पहला स्टेप है मीडियन और मॉड के केस। अब आपने मीन कर लिया, मीन में डाटा जैसा मर्जी हो जाए। अब मॉड, यस बिसम, यस बिसम बेटा, यस बट इससे तो डेटा ही चेंज हो जाएगा। नहीं चेंज होता बेटा, नहीं चेंज होता, 0.5 से आपके डाटा का कोई, इवन इंक्लूसिव में ये होता है, मेरी बात सुनो। अगर बिसम मैंने कहा कि वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनके 0 से 9 मार्क्स है, है ना, तो दैट मींस मेरी क्लास में 9.5 वाला कोई बच्चा नहीं होगा। तो मुझे बताओ अगर मैंने 9.5 इंक्लूड भी कर दिया अपर लिमिट में तो मेरी फ्रीक्वेंसी कोई चेंज थोड़ा होगी बिसम, होगी कोई? क्योंकि मेंबर्स अगर कोई केसेस में हो इंक्लूडेड 9.2 भी हो, फिर मैं लूंगी ऐसे, मैं 0 टू 9 नहीं लूंगी, तब मैं ऐसे लूंगी 0 टू 10, 11 टू 20। मैंने पहले ही सोच के वो डाटा बनाया होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क ना पड़े। ओके ओके मैम, क्लास इंटरवल्स आई हैव मेड अकॉर्डिंग टू दैट सो दैट द रिजल्ट विल नॉट बी इफेक्टेड। ओके क्लियर, चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, व्हाट वी हैव टू डू हियर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मॉड की। अब मॉड क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए, मॉड का मतलब क्या है बेटा। ओके, मॉड मतलब ऐसी वैल्यूज जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, रॉ डाटा हो आपके पास या डिस्क्रीट डाटा हो। मतलब मैं सीधा कहूँ 0 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, 1 मार्क लेने वाले कितने बच्चे हैं, 2 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, अगर मुझे वो पता है एक्स आई एफ आई, यहाँ पर सिंपल जो आप 9th तक करके आए हो, 0 मार्क्स लेने वाला 1 बच्चा है, 1 मार्क लेने वाले 2 बच्चे हैं, 5 मार्क्स का टेस्ट हुआ तो 2 मार्क्स लेने वाले 7 है, 3 मार्क्स लेने वाले मेरे पास जो है 8 बच्चे थे, 4 मार्क्स लेने वाले मेरे पास 15 बच्चे हैं और 5 मार्क्स लेने वाले 10 बच्चे। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 15, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग, दैट मींस 4 अकर्स मैक्सिमम टाइम, यानी दिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू। हम मॉड को कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू। ओके, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू मतलब जो बार 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 यूज होती है, दैट इज माय मॉड। लेकिन जब बात होती है कॉन्टिन्यूस डाटा या मेरे पास जो है जिसमें इंटरवल्स होते हैं, अगर इंटरवल्स है तो आप खुद मुझे बताइए, इंटरवल्स हैं तो मेरे लिए बेटा मॉड निकालना डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है,
जो हम डाटा कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, ग्रुप्ड डाटा कर रहे हैं। ग्रुप्ड डाटा मतलब आपको यहाँ इंटरवल्स दिए होते जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ऐसे दिया जाता डाटा। ओके, और फ्रीक्वेंसी दी जाती। ओके, अब इस केस में मान लीजिए मेरे पास हो गए यहाँ पर 5, यहाँ 3, यहाँ पर 7, 1, ये 2, ये मुझे डाटा दिया और मुझे कहा गया मॉड निकल। अब मैं मॉड तो एक सिंगल वैल्यू होती है ना, मैं कहूँ ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो मैं क्या बोलूँ, 30 आएगी कि 31 आएगी कि 32 आएगी कि 33 आएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। ठीक है ना बेटा, तो मैं क्या करूंगी फिर, यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मॉड कैलकुलेट करने के लिए। अब वो फॉर्मूला क्या होता है मैं साथ साथ क्वेश्चन कराऊंगी, साथ साथ फॉर्मूले को समझाऊंगी। मॉड का बेटा तब फॉर्मूला होता है मेरे पास एल प्लस मेरे पास एफ वन माइनस एफ जीरो ओवर, ध्यान से फॉर्मूला लिखना बेटा, 2 times एफ वन माइनस मेरे पास होंगे एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू बेटा मेरे पास जो है एच। अब ये क्या मैंने लिख दिया इतना सारा, व्हाट आई हैव रिटन, अब मैं समझाती हूँ। ठीक है, साथ साथ वैल्यूज भी बताऊंगी कि क्या है। सबसे पहला काम होता है आपने मॉड्यूलर क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास होते हैं, फ्रीक्वेंसी में से देखना है जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरवल होगा ना, क्लास इंटरवल, इसे हम कहते हैं मॉडल क्लास। ये 1 mark का भी ऐसे ही आ जाता है पेपर में, मॉडल क्लास। ठीक है बेटा, पहला काम हो गया मॉडल क्लास। जो एल है ना, एल इज द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एल पता लग गया मुझे, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास बेटा। ओके, एच इज द क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास की क्लास साइज होती है, मतलब अपर माइनस लोअर। यस दक्ष, यस दक्ष बेटा। मैम एक बार मॉडल क्लास बता दोबारा। हाँ जी श्योर बेटा, मॉडल क्लास क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो कौन से क्लास इंटरवल की, 30 to 40, हम उसे कहते हैं मॉडल क्लास बस। ओके, अब मेरे पास हो गए यहाँ पर मॉडल क्लास आ गई, अब मॉडल क्लास आ गई और एल उसकी लोअर लिमिट उस मॉडल क्लास की, ये 30 है तो मैंने 30 लिख दी। ओके जी, अब मुझे एल पता चल गया, एच इसकी विड्थ साइज 40 minus 30 10, एच भी पता चल गया। अब ध्यान से देखना, अब रह गया एफ जीरो एफ वन एफ टू, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है ना, सबसे ज्यादा, मैं उसे कहती हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। इसको डिनोट करते हैं एफ वन से, इससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस मॉडल क्लास, प्रीवियस टू मॉडल क्लास। ठीक है, जो हमने मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की उससे पिछली, और एफ टू उससे अगली, बस फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल एक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास या नेक्स्ट टू द मॉडल क्लास। ठीक है जी, अब देखो सारी मुझे यहाँ पर वैल्यूज पता चल गई, अब मैं यहाँ पुट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, लेट सी। एल लोअर लिमिट मैंने पुट किया 30 प्लस एफ वन 7 माइनस एफ जीरो 1 मेरे पास है ओवर 2 times एफ वन दैट इज इंटू 7 माइनस 1 minus 2 into h, h सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई है,
दैट इज 10। फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो ओवर टू टाइम्स एफ वन माइनस एफ जीरो एफ टू, बस। अब 30 प्लस 6 बाय 14 माइनस 3 11 इंटू 10, सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। ये हो जाएगा 30 प्लस 60 बाय 11, ठीक है बेटा, पॉइंट्स में आंसर पूरा 2 डेसिमल तक आंसर प्रॉपर आना चाहिए, मिनिमम 2 डेसिमल प्लेसेस था। बात समझ आई सबको बेटा? ठीक है, लेट अस डू द क्वेश्चन, बहुत इजी है। ओके, एक्सरसाइज ना 14.2 में भी बार बार वो लिखते हैं, फाइंड द मॉड एंड अ मीडियन एंड कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मीन मॉड मीडियन हमने नाइन्थ में किए, दीज आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू कैलकुलेट द सेंट्रल वैल्यू। मतलब कंपेयर का मतलब आपने बताना है मीन बड़ा है कि मॉड बड़ा है, कोई भी चीज बड़ी हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं कि मीन हमेशा ज्यादा आता है मॉड से या कम आता है, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, लेट अस डू 14.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पास हो, हाँ जी, एक्सरसाइज 14.2 फर्स्ट क्वेश्चन। Now, what is written? The following table shows the ages of the patients admitted in the hospital during a year. और मेरे पास क्या लिखा हुआ है? Here it is mentioned age in years. ठीक है? And number of patients. Number of patients. Now, beta. 5 to 15, फिर 15 to 25, now 25 to 35, now 35 to 45, okay, अब 45 to 55, now 55 to 65, okay जी, now 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब मैंने मॉड ढूंढना है, सबसे पहला स्टेप कौन बताएगा? हरी, जल्दी जल्दी, फर्स्ट स्टेप। ओके दिव्यांश, यस दिव्यांश बेटा। मैम इसमें हम पहले मॉडल क्लास ढूंढेंगे, 23 की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो। बिल्कुल करेक्ट, जो ये सबसे ज्यादा है तो वो कॉल्ड इट F1। इससे पीछे मैंने पता कैसे याद रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे पता है ये मॉडल क्लास हो गया, ये मेरे पास L हो गया। ठीक है, मैंने जो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, करंट, करंट एफ आई से डिनोट करते हैं, ओल्ड एफ जीरो से डिनोट करते हैं, तो मैंने ऐसे याद रखा हुआ अपने लिए, मुझे कभी भूलता नहीं है कि F1 करंट, मैं 1 को I से ट्रीट कर लेती हूँ, इसे पिछली FO, इसे नेक्स्ट F2, सब कुछ तो मिल गया, एक रह गया H, H क्या होगा? 45 माइनस 35, दैट इज 10, ओके? तो अब मैंने मॉड ढूंढ लेना, मॉड का फॉर्मूला मुझे पता है, L प्लस, मेरे पास होंगे, L प्लस F1 माइनस F0, over 2 F1 minus F0 F2 into H, formula नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है जी? Yes दिव्यांश, clear है दिव्यांश आपको? ठीक है, अब values put कीजिए, सारी values यहाँ पर आपको पता है, मेरे पास L 35 plus F1 23 minus 21 over 2 times F1 minus F0 21, then minus 14 into H, that is 10. Solve it and get your answer. Okay, beta? Clear? Koi doubt kisi ko? Koi doubt kisi ko, beta? Koi doubt hai to beta, please ask me.
ठीक है जी, सॉल्व इट एंड नाउ योर होमवर्क इज प्लीज ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज. ओके, ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज. वैसे मेरा नेक्स्ट पीरियड है, हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मीडियन करेंगे. ओके ओके, 6 पीरियड है ना हमारा आपके साथ, तो उसमें करेंगे, सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे उस पीरियड में भी. टिल देन गुड बाय एंड